जी साहब, नाज़रीन प्रोग्राम तजिया के साथ आज फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी अपने दो नए मेहमानों के साथ, एक मेहमान का ताल्लुक लंदन के साथ है और एक मेहमान साबिक एमपीए हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं पाकिस्तान में होने वाले उन तमाम हालात वाक़यात के हवाले से और दिन ब दिन जिस तरह सियासी पार्टियाँ जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ इलेक्शन की जानब बढ़ रही हैं और हर पार्टी की ख्वाहिश है, ख़ासतौर पर पीटीआई की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसको ख़त्म किया जाए और फौरी तौर पर चाहे इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास उतनी पावर है, उतना टाइम है या नहीं है, उसके पास अमला है या नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन चाहे कल सुबह से ही शुरू करवा दिया जाए। तो नाज़रीन ऐसा नहीं होता, बात सारी है कि इलेक्शन कमीशन को भी हलका बंदियों समेत और बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखना पड़ेंगी और उनको अपने अमले को देखना पड़ेगा, उसके बाद एक सेटअप के लिए उनको टाइम चाहिए, उसके बाद फिर जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए अपने आप को बिल्कुल रेडी समझेंगे। और मेरा ये ख्याल है जो मेरे ज़राए के मुताबिक बताते हैं कि उम्मीद है कि इलेक्शन अक्टूबर या नवम्बर में जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कुछ थोड़ी सी मेरे पास हेडलाइंस हैं, पहले उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूं, मेरे नाज़रीन वैसे जानते तो हर चीज़ को हैं कि पीटीआई के चार साल दौर में क्या हुआ। आप देखें कि घी की कीमत जब भी छोड़कर गए थे मियां नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त 210 रुपये थी और 470 या 500 के करीब इस वक्त ऑयल जो है वो पहुँच चुका है, कुकिंग ऑयल। और बिजली के यूनिट जो हैं वो 11 रुपए से जो है 25 रुपए फी यूनिट तक चला गया है। गैस 600 MBTU से बढ़कर 1400 MBTU तक चली गई है। अगर मैं माली खसारे की बात करूं तो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त 45 अरब तक जो हैं वो नई शरायत के तहत शरा टैक्स में जो है वो कमी भी कर दी गई है। और हकूमती कर्जे जो हैं उनका जिक्र मैं अपने प्रोग्राम में भी कर चुका हूँ, 2493 अरब से बढ़कर 42745 तक जा पहुँचे हैं। और चार सालों में 60 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए और करप्शन में 23 पॉइंट में इजाफा हुआ। और चार साल में 2 करोड़ अफराद जो है वो बशमूल 1.3 करोड़ बच्चों को गुर्बत की लाइन पर पहुंचाया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं मुर्गी, दाल, चीनी, घी, आटा, सब्ज़ी, फ्रूट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बुरी तरह हाई रेट पर जा चुकी हैं। डॉलर जो है मेरा ख्याल है 201 की जो है लाइन उसको भी अबूर कर चुका है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे डॉलर, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इमरान खान साहब जो कुछ करके गए हैं वो तकरीबन 250 तक डॉलर का वो करके गए हैं। अब डॉलर जैसे ही महंगा होगा उसके साथ दूसरी चीज़ें भी महंगी होंगी। उसके बाद फिर अगर अब देखना यह है कि अब इन तमाम मामलों की तरफ हम देखें, अब इमरान खान साहब ने 25 तारीख को लॉन्ग मार्च का एक ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च जो है वो 25 मार्च को लोगों को मैं वहाँ देखना चाहता हूँ। कल उन्होंने एक तकरीर में इसका तज़करा किया और इसमें अब देखना यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको क्या, इस लॉन्ग मार्च को ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कि इस लॉन्ग मार्च को किस तरीके से रोका जाए। और इसको अगर स्टार्ट में रोक लिया जाए तो बहुत बेहतर है, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। और अगर वो एक जमहूरी तरीके के साथ आते हैं और जैसा कि इसमें राणा साहब भी इस बात का तस्करा कर चुके हैं और हमारे दोस्त इंग्लैंड से ताहिर चौधरी साहब भी ये कह चुके हैं कि ये एक जमहूरी अमल होता है, तो इसमें अगर ये उस जमहूरी अमल के ज़रिए यकीनन आए आकर अपना एहतजाजी तरीके के साथ रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन लगता नहीं है, जिस तरीके से इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं वो ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खून खराबा होने को है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, अगर खून खराबा हुआ तो यकीनन इस मुल्क में फौजी हुकूमत जो है वो ज़रूर हो जाएगी। और फिर उसके बाद होगा कि ये तमाम जितनी फौजी जितनी पार्टियां हैं इन तमाम के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तमाम जो है वो जहाज़ के रास्ते और पैदल के रास्ते ये तमाम बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद इनका जो है ज़बरदस्त इंतजामी अमल जो है वो शुरू होगा। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कोई पीटीआई का है या नून का है या दाल का है या काफ का है। तो बेहतर यही है कि आप इस इन तमाम चीज़ों से बचें और अच्छे तरीके के साथ, आइनी तरीके के साथ आप वहाँ जाएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। यकीनन जो है वो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है उसको कुछ थोड़ा सा आप मौका दें और वो अक्टूबर नवंबर तक ये ना इलेक्शन जो है वो करा लेगी। लेकिन अब आप देखें कि इनके लोगों के बयानात आप देखें, माशाल्लाह शेख रशीद साहब के जो बयानात हैं, हुकूमत जाने वाली है, अवाम अब उनका सियासी हशर करेंगे। नून लीग नवाज को बुलाए, जरदारी ने नून लीग को हाथ पाँव बांध कर मारा है।
अब ये बात करके नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बहुत बड़ा शगाफ डालने वाली बात है। इसी तरह इमरान न्याजी ने जो है वो एक मैडम मरियम के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, गैर अखलाकी इस्तेमाल किए, जो कि बहुत गलत बात है। अब नाज़रीन इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आने वाले बजट की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि बजट ये इस वक्त पीडीएम की हुकूमत बजट को अनाउंस करती है या कोई निगरान हुकूमत इस बजट को अनाउंस करती है, लेकिन इस मुल्क की जो कश्ती है वो बहुत बुरे तरीके के साथ समंदर में डगमगा रही है। दूसरी जानब आईएमएफ की तलवार जो है वो हमारे ऊपर टंगी हुई है। 25 तारीख तक जो है आईएमएफ के मुज़ाकरात जो हैं वो यहाँ पर होने थे, लेकिन यहाँ की बजाय अब वो दोहा में हो रहे हैं, कतर में हो रहे हैं। तो नाज़रीन ये इसकी रीज़न क्या है? खान साहब ने जब पिछली मरतबा चाइना के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद थी उस वक्त भी वहाँ पर इस तरह का एक मचकडंडा करके उसको ख़राब किया, और अब फिर उन्होंने इस तरह के मामलात किए कि मजबूरन उनको इजलास वहाँ पर करना पड़ा। अब दूसरा देखना यह है कि आईएमएफ जो है वो आखिरी सांसों वाले मुर्दे को ज़िंदा करने का टीका लगाता है या उसको अब दी मौत सुलाने की जो है वो तैयारी कर रहा है। तो इसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। और अभी जो है पंजाब की जो काबीना है वो तश्कील दी जानी है और उसके बाद गवर्नर साहब तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन दूसरी जानब चौधरी परवेज़ अली साहब ने जो कुछ कल किया वो भी एक नाकाबिले फहम बात थी। जिस तरीके के साथ उन्होंने इजलास बुलाया और बुलाकर उन्होंने अपने ख़िलाफ़ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को जो है वो रद्द करवा दिया, लेकिन बहरहाल अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि दोबारा से जो है वो उनके ख़िलाफ़ तहरीक जमा करवा दी गई है। अब इजलास कब होता है और काबीना कब हल्फ उठाती है, ये वो तमाम चीज़ें जिनको हमने देखना है। और इस तमाम चीज़ों का असर किसी पर भी नहीं पड़ रहा, दोनों पार्टियां आपस में दींगा मुश्ती कर रही हैं और उस दींगा मुश्ती के बीच में आवाम जो है मुफ्त में रगड़ा खा रही है। आप बिजली का हाल देखें, बिजली ने इस बुरे तरीके के साथ इस मुल्क के अंदर तबाही मचाई है कि आपकी सोच है। यानी कराची के अंदर आप देखें, कराची में पानी नहीं मिल रहा, बिजली होगी तो पानी मिलेगा। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका अब हम अपने प्रोग्राम में तذکرہ करेंगे। हमारे साथ जो हैं वो जो दो मेहमान हैं वो बात करेंगे और फिर हम अब उसमें अवामी मामलात के हवाले से और आने वाले उन तमाम जो मामलात हैं उनके हवाले से ज़िक्र करेंगे। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको जो टाइम मिला है उसमें सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की कितनी मदद करता है, और अमेरिका जो को जिस तरह के बिलावल भुट्टो अमेरिका गए और एक अच्छा दौरा करके आए और उनको एक अच्छे तरीके के साथ जो है वहाँ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो इसी तरह ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पर हम तस्करा करेंगे। नाज़रीन इसके साथ ही नाज़रीन हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरह, जाने प्रोग्राम देखते रहेगा प्रोग्राम तज्जिया। हाज़िर हुए हैं हमारे दूसरे मेहमान आसिफ बाजवा साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए और पेशे के लिहाज से एडवोकेट हैं और बड़े काबिल इंसान हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप ठीक हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल। भाई साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात चल रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया है और इमरान खान साहब जो हैं 25 तारीख को एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने वाले हैं, और दूसरी जानब राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपनी तरफ से जो है वो बयान, एक बड़ा सख्त बयान दिया है, तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो 25 तारीख वाला मामला है सबसे ज़्यादा खौफनाक है, आपको कैसा लग रहा है? और उसके बाद दूसरा जो मेरा सवाल होगा वो होगा कल पंजाब असम्बली में होने वाले जो इजलास को जिस तरीके के साथ परवेज़ अलाई साहब ने कंडक्ट किया, कुछ उसके हवाले से बात करेंगे। तो बताइएगा पहले 25 तारीख वाले मामले को कि 25 तारीख वाले हालात को आप कैसे देख रहे हैं? मुख्तसरन बात कीजिएगा, टाइम थोड़ा है और मुझे आपसे सवाल ज़्यादा करने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सर मैं ये समझता हूँ
कि हमने 2014 में भी इन लोगों का धरना देखा था जिसमें ये कहते थे कि इंसानों का समंदर होगा और 10 लाख कम से कम इंसान आएंगे, और आपने देखा कि 126 दिन इन्होंने कौम का वक्त जाया किया, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का इन्होंने जो विजिट था उसको डिले किया, और 126 दिन का नाच गाने और डांसिंग का प्रोग्राम जो रात को 10 बजे से 11:30 बजे तक होता था और दोपहर को क्या होता था आपके सामने ही, और वहाँ चंद एक खवातीन और चंद लड़के नौजवान वहाँ डांसिंग प्रोग्राम करके इमरान अली साहब खिताब करते थे, और 126 दिन के बाद ये घर चले गए थे। अब भी हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि हम देखते हैं। एक तो इन्होंने कहा था आज से एक माह पहले कि जो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद है वहाँ 20 लाख लोग आ रहे हैं, और जो 20 लाख लोग थे आपने देख लिए कितने लाख थे और कितने हजार थे। अब मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम बिल्कुल इनको फेस करने को तैयार है। इस तरीके से पहले भी लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, कभी ना इस तरह घूमते गई है। अब ये एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हम कहते थे कि आप री इलेक्शन में जाएं क्योंकि आप सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। तो शेख रशीद साहब, इमरान न्याजी साहब, वाजपेयी साहब कहते थे कि हम एक दिन पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे। तो अब क्या हो गया है, ये कहते हैं वो इलेक्शन का टाइम दे रहे हैं, अब क्यों नहीं कहते कि आप अपना टाइम पूरा करें, अब क्यों नहीं कहते कि आपको अगर आपने तरीके में तफात कामयाब कराई है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आप तरीके में तफात लाएं, हम उसी दिन दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे और काउंटिंग करवा लेंगे। लेकिन फिर आपने ये देखा कि किस तरीके से इन्होंने बिहेव किया और क्या क्या कुछ नहीं किया, और फिर रात को ये कहते हैं कि 12 बजे अदालत क्यों खुली। अब जो रात गुजरी है, इस दिन भी रात को 12 बजे अदालत खुली थी। अब देख लें कि वहां इनका कंडक्ट क्या है। और दूसरी बात जो आपने पंजाब असेंबली की है, परवेज इलाही साहब ने अपनी सियासी साख को तबाह बर्बाद कर लिया है, अपने खानदानी निजाम का बेड़ा गर्क कर लिया है, और जो मदूदी 2-3-4 नशिस्तें थी, इंशाल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के मरहूमे मिन्नत रहेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब के इलेक्शन में और मरकज के इलेक्शन में ये चाहते हैं कि वो किसी पार्टी पीटीए के साथ कोलिजन के तौर पर वहां पे जॉइंट इलेक्शन लड़ सके। इस वजह से वो अपनी सियासी साख को बचाने के लिए इमरान न्याजी के कुछ कदम उतर रहे हैं। अगर इनको ये समझना चाहिए कि क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में भी ऐसा हुआ है कि अगर उनके खिलाफ किसी स्पीकर के खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मूव हो और वो बगैर गिनती के चली जाए, और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने किया है। इनको भुगतना पड़ेगा और इनको कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब के जिलाधियां हमजा शहबाद है, इंशाल्लाह वही रहेंगे। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा, आप कानून दान भी हैं, MPA भी रह चुके हैं, और माशाल्लाह आइन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ये बताइएगा क्या अब परवेज़ इलाही के खिलाफ दोबारा से जो है वो तहरीक एतमाद, सुनने में आ रहा है कि जमा करा दी गई, जमा कराई जा सकती है, वो कहते हैं 6 महीने के बाद जो है जमा हो सकती है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है वो इस तरीके से हो सकती है 6 महीने के बाद, कि जब आप कोई अदम एतमाद पेश करें और वो नाकाम हो जाए, अच्छा फिर आप दोबारा 6 महीने के बाद पेश कर सकते हैं, अगर उस पर कोई ड्यू प्रोसेस ही अडॉप्ट ना किया जाए। मैं कह रहा हूँ ड्यू प्रोसेस ही अडॉप्ट ना किया जाए तो फिर ये दोबारा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा की जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ। अगर प्रोसेस होता तो फिर आपकी बात दुरुस्त है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 6 माह से पहले तरीके से। अच्छा ये बताइएगा कि कल उज़्मा बुखारी और समीउल्ला जो हैं उन्होंने ऐसी कौन सी बात कर दी जिसकी वजह से बहुत से मामला जो हैं वो बिखर गए हैं, कुछ उस हवाले से बात करेंगे? मेरे तो कोई इल्म में ऐसी बात नहीं है, कोई जो मामला बिखरे हैं मेरे तो नॉलेज में नहीं है। अच्छा चलिए फिर ये बताइएगा बाजवा साहब, क्या गवर्नमेंट के जो है वो इमरान खान न्याजी के ये जो 25 तारीख का जो प्रेशर है इसको कबूल करते हुए जल्दी इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, या आप लोग बकौल जो आपकी मरियम साहिबा हैं वज़ीर इत्तला'आत हैं उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन अपनी मर्ज़ी से करवाएंगे, इसका मतलब है जब वो टर्नओवर आप ख़त्म कर लेंगे तो इलेक्शन के लिए वो तारीख का ऐलान कर देंगी, लेकिन इमरान न्याजी तो एक रोते हुए बच्चे की तरह कह रहे हैं कि मुझसे छीना हुआ खिलौना मुझे फ़ौरन वापस कर दें, चाहे वो कानूनी हो चाहे वो गैर कानूनी हो, तो आप क्या समझते हैं कि हेलो मैं ये समझता हूँ जी कि इमरान हेलो आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बात ये समझता हूँ ये एक कोलिजन गवर्नमेंट है और इसमें PDM है, तमाम जमातें हैं, आसिफ जरदारी साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब है, पा पार्टी है,
और मुफ्ती साहब के फर्जंद हैं और भी दीगर कई लोग हैं जिनको मैं ज्यादा वक्त नहीं आपका ले सकता। ये सब जमातें जो है ये फैसला करेंगी और इन्होंने ऑलमोस्ट ये फैसला किया है कि हम पाकिस्तान को बचाने की खातर, पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए हमें कुर्बानी भी देना होगी, हम बड़े फैसले करेंगे ताकि इस मुल्क को माशी तौर पर बेहतर किया जा सके और हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे किसी भी सूरत में। जिस तरीके से ये इमरान न्याजी साहब कहते हैं, जब ये इनका ये खुद तो इन्होंने नहीं वक्त ये कहते थे कि हम पूरा करेंगे, फिर ये इन्होंने काउंटिंग ना करवाई और मैंने इससे पहले दर्ज किया, गुजारिश ये है कि अब इनको बर्दाश्त करना होगा। अब पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इक्तदार में इमरान न्याजी साहब के नाम के ऊपर क्रॉस लग गया है, इंशाल्लाह ये क्रॉस ही रहेगा और ये अब कभी भी इक्तदार में नहीं आएंगे, इसलिए कि इन्होंने जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक का बेड़ा गर्क किया, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान की सियासत में गाली गलोच और जाति दुश्मनी का जो इन्होंने कल्चर डेवलप किया है ये वहां को सख्त नापसंद है और जो जो मुख्तदर इदारे हैं उनको ये धमकियां दे रहे हैं और इन्होंने चंद दिनों में जब से ये गए हैं आर्मी को भी धमकियां दी है, अदलिया को भी धमकियां दी है और अमेरिका को भी धमकियां दी, झूठे खत की खातर अमेरिका को भी धमकियां दी, धमकियां दी गई है। ये इक्तदार के भूखे हैं, ये लालची और मुनाफिक आदमी है और इन्होंने ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्होंने जो इतना बड़ा मैं ये समझता हूँ, मैं नहीं कह सकता वो अल्फाज जो इन्होंने कहे, उनको ये कह देना कि ये कितनी बुरी बात है जिस अलकाब से इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नवाजा है, ये किसी भी सूरत पाकिस्तान के अवाम को पसंद नहीं है, पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों को ये पसंद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बस अब बहुत हो चुका, अब इनके नाम पे क्रॉस है, ये घर जाएंगे वापस। भाई साहब ये बताइएगा कि भाई साहब इस वक्त जो इस वक्त मुल्क की ये माशी हालत है वो बहुत ख़राब है, गरीब बिल्कुल उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया है, लोग जो हैं खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आप मुझे बताइएगा इस तमाम चीज़ों का जिम्मेदार जो है, हम तो इमरान खान को ही कहेंगे क्योंकि आप देखें आप लोग ऑयल का जो पैकेट था वो 220-210 रुपए का छोड़ कर गए, चीनी 50 रुपए की छोड़ के गए, आज वही पैकेट जो है 500-600 रुपए में आ रहा है, चीनी क्रॉस कर चुकी थी इन्हीं के दौर में 110-120 तक, क्योंकि उसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा एक हाथ मारा, गंदम फिर खाद फिर बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए शहबाज शरीफ साहब किस तरह इसको समेटेंगे थोड़े से टाइम के अंदर? और एक दूसरी बात यह है कि अभी सऊदीया का वो दौरा करके आए हैं तो मेरा ख्याल है उनकी तरफ से भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब चाइना की तरफ जा रहे हैं, सी पैक इन्होंने बर्बाद कर दिया है, तो आप मुझे बताइएगा ये शहबाज शरीफ साहब इतना वजन किस तरह उठा लेंगे? हाँ बिल्कुल, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ये वाकई इस वक्त बड़ा एक जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रेशर है ये आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि सऊदी अरब ने हमें रिफ्यूज नहीं किया, जो उनको पेमेंट वापस करनी थी उन्होंने उसको डिले कर दिया है और उसके बाद ये सारी चीजें मैं ये समझता हूँ डिपेंड करती हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किए पीटीए की गवर्नमेंट ने किए कि हम आपको भी बताया मुझे भी बताया कि इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम 200 रुपए के ऊपर लेके जाएंगे डॉलर को और इन्होंने जो ये इनकी कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की है ये जानते बूझते हुए कि इनकी गवर्नमेंट खत्म हो रही थी, ये अदम दिमाग कामयाब होने जा रहा था और इन्होंने 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल को कम किया और ये भी कहा कि हमको नहीं बढ़ाएंगे और ये इन्होंने जो आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी की है। इसी वजह से अब जो आईएमएफ वाले हैं वो थोड़ी सी तरद्दत कर रहे हैं और ये देखकर मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मुफ्ता इस्माइल साहब और आयशा गौस पाशा और पामिया शहबाज शरीफ साहब जो है आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे और जो 24 अरब रुपए का लोन जो इससे पहले 70 सालों में लिया गया था उससे बढ़ के इन्होंने इन 3 सालों में लिया है उसकी 42 के करीब आ रहा है, 42 के करीब फिगर आ रही है, 42745 के करीब फिगर है जो अब हो चुकी है, जो अब हो चुकी है। तो इसलिए इससे पहले जो है पाकिस्तान की तारीख में इतने कम अरसे में
किसी गवर्नमेंट ने इतना कर्ज नहीं लिया, लेकिन इन्होंने वो कर्ज जो लिया है वो क्या कहाँ पे है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। ये कहते थे कि हम एजुकेशन में रिफॉर्म लाएंगे, ये कहते थे हम नए यूनिवर्सिटीज जो मेडिकल हॉस्पिटल नए बनाएंगे, ये कहते थे हम एजुकेशन में और हेल्थ में रिफॉर्म लाएंगे, ये क्या इन्होंने किया। ये कहते थे कि हम, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने के वजीर आजम हाउस की जाके पैसे बेच दी, वहां की जाके गाड़ियां बेच दी, और वहां के तोशाखाना को वहां से मुफ्त में लाखों रुपए दे के वो गिफ्ट लिए और करोड़ों रुपए में उनको बेच दिया, और फरा बीबी को आगे लगा दिया, और 3.5 साल तक प्राइम मिनिस्टर उससे बैठ के फरा बीबी जो है वो चीफ मिनिस्टर के इख्तियार को इस्तेमाल करती नहीं, और दो दो तीन तीन करोड़ रुपए के लिए। अच्छा भाई साहब आपकी जो बातें सारी मीडिया में आ चुकी है, मुझे ये बताइएगा कि अगर ये तमाम बातें रियलिटी पर मौजूद, एक मतलब रियलिटी है, इसके ऊपर देखिए एहतसाबी अमल कब शुरू होगा, कौन शुरू करेगा? अब इनका एहतसाबी अमल भी तो होना चाहिए, अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट जो है वो 2023 तक करनी है तो फिर आपको एहतसाबी अमल भी करना होगा, ताकि आवाम को पता लगे कि इमरान खान साहब ने क्या किया, चीनी स्कैंडल क्या था, गंदम स्कैंडल क्या था, खाद क्या था, वेजिटेबल क्या था, आपकी तमाम। दूसरी बात यह है कि इनकी कोई प्राइस कंट्रोलिंग कमेटी नहीं थी, सारा झूठा फ्रॉड पर चलता रहा। हम जर्नलिस्ट हैं, हम तमाम चीज़ों को विजिट करके देखते रहे हैं। तो अभी आप लोग जो हैं, एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं अपनी जो हैं वो अच्छी, मेरा ख्याल उन्होंने दोबारा से फॉर्म की हैं, और दूसरा ये जब तक आप ज़खीरा अंदोजों के गले में फंदा नहीं डालेंगे उस वक्त तक नहीं मामला ठीक होंगे। हाँ, सबसे पहली बहस करना चाहूँगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब जिसने वोट लिया, उन्होंने एक बात बड़ी कैटेगोरिकली की, उन्होंने वादे किया कि हम इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखते, हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं, FIA है, एंटी करप्शन है, या दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे और वो खुद इन्वेस्टिगेट करके खुद ये कंप्लेंट जो है वो दायर करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि खुदा न करे कि जिस तरीके से हमें पनामा में नाम भी नहीं था और अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने की बिना पर मियां नवाज शरीफ साहब को फॉरएवर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, हम ऐसी रवायत और ऐसी रीत को नहीं रखेंगे, हम जाती तौर पर किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। उस दिन भी मैंने बेशुमार टीवी टॉक शो में कहा कि 550 से ज्यादा लोगों के नाम थे पनामा पेपर्स में, और सिर्फ एक वाहिद शख्स मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रायल किया गया, और उसके बाद जो पंडोरा बॉक्स, पंडोरा लीक्स आई, उसमें भी इन लोगों के नाम थे, और इन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर कमेटी बना रहे हैं, एक वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। कहाँ है वो कमेटी? और ये इन्होंने कहा कि ये चीनी वाले, आटा वाले और मेडिसिन वालों के लिए हम एक कमीशन बना रहे हैं, कहाँ है वो कमीशन? ये सब ये माफियाज की कौमत थी, ये माफिया ये खुद थे, इनके साथी माफियाज थे। भाई साहब जमींदार, देखें जमींदार बात सुने, जमींदार जो है वो आपको बहुत सी ज़रिया जनास वगैरह सारी बेचारा वो पैदा करके देता है, उनको ज़रई खाद जो है, इसके अलावा जो दूसरी अद्वियात होती हैं ज़रई अद्वियात, वो तक उनको नहीं दी जा रही। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर आज 10 रुपये, कल 10 रुपये पेट्रोल और 9 रुपये गालिबा डीज़ल जो है वो सस्ता किया गया, और वहाँ पे ज़मींदार को जो है बहुत सी मराद दी जाती हैं। आपने 4 सालों में ना उनको को मराद दी है, ना बल्कि खाद का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, इसी तरह ज़रिए अद्वियात का आया। फिर अगर मैं दूसरी आम इंसानी अद्वियात का जिक्र करूँ तो उस हवाले से भी जो है वो उसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया। आज एक गरीब आदमी जो है एक पैरास्टामॉल समेत दूसरी छोटी मोटी दवाइयाँ जो है जो 5 रुपये 6 रुपये की थी वो आज 25 रुपये की मिल रही है। तो ये वो क्या है, ये तमाम चीज़ें, ये आवाम के साथ जुल्म किया क्यों किया जा रहा है, और टैक्सेस जो है वो आवाम से ही लिए जा रहे हैं। मैं सरस करता हूं, इसका एक ही फिक्र में जवाब है कि इमरान लियादी साहब को, चूंकि वो उनको अवाम के मसाइल का इलम ही नहीं है, और उन्होंने अपने एक जलसे में इरशाद फरमाया कि मैं टमाटर और प्याज की कीमतों के लिए नहीं आया। ये थी उनकी सोच, ये था उनका विजन, इसलिए आए थे। वो तो अपना जो एक एजेंडा था, जो आज से 30 साल पहले हकीम सईद साहब ने और मौलाना इसरार अहमद साहब ने अपनी स्पीचेस में और अपने आर्टिकल्स में उसको कहा था, और जिस वजह से हकीम सईद साहब को मर्डर करवा दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो एजेंडा है, ये वो एजेंडा है जिसको ये पूरा करना चाह रहे थे। इनका आवाम से तलक नहीं था,
ये इनको किसी चीज से गरज नहीं है। क्या कोई शख्स जो मुल्क का मुहाफिज हो, जो प्राइम मिनिस्टर हो, क्या कोई ऐसा फैसला कर सकता है कि अगर मेरी गवर्नमेंट जा रही है तो मैं 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करूं और 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए बढ़ाने की बजाय। और इनका ये कहना, झूठ बोलना मीडिया पे आके कि हमने रूस के साथ सस्ती गंदम और सस्ते पेट्रोल की बात की थी। अरे भाई उसके डॉक्यूमेंट्स दे दो, उसका जो आपने उनके साथ एमओयू साइन किया था वो दे दो गवर्नमेंट को, हम भी अवाम को रिलीफ दे दें। भाई साहब आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है कि पंजाब काबीना कब अनाउंस हो रही है और कब गवर्नर साहब जो है तशरीफ ला रहे हैं और ये कब तक जो है उसके बाद फिर यकीनन स्पीकर के लिए भी जो है वो दे दी गई है, रिक्वायजिशन दे दी गई है, तो उसके बाद फिर ये तमाम मामलात कितनी जल्दी मुकम्मल कर पाएंगे? टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, आपको बहुत ज़्यादा काम करना है पंजाब में, पाकिस्तान के अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये लोग अपने आप को जो सियासी कहते हैं, जो इस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं और उम्मीदवार थे कि हम चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, जब उनको पता चला कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके और नहीं बन सकेंगे भी, और उसके अलावा जिन लोगों को पता है कि गवर्नर साहब का जो टाइम है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरा होने जा रहा है, लेकिन वो मैं ना मानू वाली चीज कर रहे हैं, मैं ना मानू वाली एक्टर्फी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तकरीबन 1 या 2 जून को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो टाइम टेन्योर पूरा हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह बिलीवर रहमान साहब जो है वो। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि आसिफ बाजवा साहब कुछ बता रहे थे पीटीआई की हुकूमत के मुताबिक कि उन्होंने 4 साल जो कुछ किया उनकी कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से आवाम में उनको कोई ऐसा मकाम मिले, लेकिन जो लोग उनके पीछे जा रहे हैं या उनका पीछा कर रहे हैं वो उनकी अपनी एक ज़ाती पसंद या नापसंद का मामला। लेकिन इस वक्त मुल्क के हवाले से अगर हम बात करें तो अब मियां शरीफ, नवाज शरीफ साहब ने आते ही जिस अंदाज़ के साथ मामलात को ठीक करना शुरू किया है, लेकिन वक्त कम और मुकाबला सख्त है। तो नाज़रीन इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। हम अगले प्रोग्राम में फिर नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आखिर में एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम में अभी ताहिर चौधरी साहब लंदन से हमारे साथ हैं। ताहिर चौधरी साहब जो हैं एक मारूफ माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं लंदन से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। ताहिर साहब ये बताइएगा कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, सियासी हालात, अजीब अजीब व गरीब किस्म की धींगा मुश्ती जो है वो देखने में आ रही है। आपने अभी देखा कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं हमज़ा शहबाज, वो उनको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया, बन गए वो, और वो कोई कहता है वो आइनी तौर पर हैं, कोई कहता है गैर आइनी तौर पर हैं। बहरहाल उन्होंने वज़ीर आला के तौर पर काम शुरू कर दिया और उसके बाद फिर आपने देखा कल जिस तरीके के साथ चौधरी परवेज लाई साहब ने एक मूवमेंट के ज़रिए अपने आप को अपना इजलास बुलाया, दरवाज़े बंद किए, और फिर उसके बाद अभी एक कॉल दे दी गई है जो कि इमरान खान की जानिब से 25 मई की दी गई है कि 25 तारीख को उन्होंने तमाम लोगों को मदऊ किया है कि वो फौरी तौर पर आएँ और वो एक बहुत बड़े एहतजाज के लिए तैयार हैं। इस हवाले से आप क्या, लंदन में लोगों का क्या नज़रिया है? लंदन में मियां नवाज शरीफ यानी PMLN समेत पूरा जो इनका एक गाइडलाइंस है उसको और इमरान खान साहब की PTI की गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं, साहब की गवर्नमेंट को? देखिए गाजी साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो सारी हमारी क्यादत है इस वक्त की, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो उनकी तरबियत ही सारी जो है UK में हुई है और UK की पार्लियामेंट को जमहूरियत की माँ कहा जाता है, तो इनको ये पता है कि जमहूरियत
जो है वो अपोजिशन और हुकूमत मिल के जमहूरियत चलती है। यहाँ पे बदकिस्मती से रवायत ये बन गई है कि अपोजिशन हुकूमत को नहीं चलने देती, और जब एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, इन्होंने यहाँ पर रहते हुए भी, इन ममान पर रहते हुए भी जमहूरियत को नहीं सीखा। पाकिस्तान की बका और सलामती और इस मुल्क की खुशहाली सिर्फ आयन और कानून की बालादस्ती में है। जब तक आयन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, ये मुल्क जो है ना तरक्की कर सकेगा, और ना ही वो इसके मुआशी समरात अगर तरक्की होती है तो आम तक पहुंच सकेगी। अच्छा ताहिर साहब अभी आपने कथा कला माफ, अभी आपने बड़ा अहम सवाल से पैदा किया कि दोनों जमातें जो हैं वो अपोजिशन उसको नहीं बैठने देती और इनको जो है वो आपस में किसी तरीके के साथ जो है वो इकट्ठे होकर चलना चाहिए। इनको इकट्ठा कौन करेगा, और आपकी निगाह के अंदर इनको इस हालात तक दोनों पार्टियों या तीनों पार्टियों को लाने वाली आखिर ऐसी कौन सी कुव्वत है कि 3-4 साल एक बंदे ने हुकूमत की, क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी 4 साल इमरान खान साहब ने 4 साल हुकूमत की, लेकिन उन्होंने उसका रिस्पांस जो है वो कोई गुड रिस्पांस नहीं दिया, तो उस गुड रिस्पांस की वजह से ये तब्दीली आई है या क्या, मतलब आप कैसे समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो ये तब्दीली आई है ये आइन के मुताबिक है। मेरे ख्याल में हो सकता है कुछ लोगों को मेरी राय से इख्तलाफ हो, मेरे ख्याल में जो है ये यही जमहूरियत का हुस्न है कि जब हाउस में बैठे हुए लोगों ने कहा कि वो उनकी मेजॉरिटी जो है इमरान खान के साथ नहीं है, तो ये तब्दीली आई है। और उसको पहले उसमें जो है उसमें रुकावटें डाली गई, फिर अदालत को मुदाखलत करनी पड़ी। इमरान खान को चाहिए था कि वो कहते हैं कि वो एक जमहूरी माशरे में उनकी जो है तरबियत हुई है, और वो अपने आप को कहते हैं कि मैंने जितना मैं यूरोप को जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे तो यह है कि अगर जिस दिन पता चले हमारे, अगर प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है कि उसके पार्लियामेंट के जो है उनकी जो है अक्सरियत ख़त्म हो गई है, तो वो खुद रिज़ाइन कर देगा। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ रिज़ाइन नहीं किया बल्कि उसने गैर जमहूरी जो है गैर आइनी तौर पे रुकावटें भी डाली। अब उनका जो है वो सदर भी जो है उनके साथ मिला हुआ है, और वो भी जो उनको सपोर्ट कर रहा है। जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल उसका रोल ये है कि उसने, वो अब पीटीआई का सदर नहीं है, वो अब पाकिस्तान का सदर है, उसने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काम करना है, वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो उसको तो अब जो है ना पंजाब में आइनी बहरान इसलिए है कि जो असम्बली भेजी है इन्होंने गवर्नर को, वो जो जो हमारे जो हैं अरबी साहब उसको वो अप्रूव नहीं कर रहे, तो ये भी मामला अटका हुआ है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम का तो आप सर, ये सियासी इस्तेहकाम कौन लाएगा, ये सियासी इस्तेहकाम कौन लाएगा? जी ये मैं चूँकि एक हम जमहूरियत की बात करते हैं, मैं एक जमहूरी माशरे में रहता हूँ, मैं तो करता हूँ कि इस वक्त जो है इस सियासी इस्तेहकाम का मैं नहीं चाहता कि वो कोई गेट नंबर 4 से आए या वो GHQ से आए। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसको अपना ये रोल अदा करना चाहिए, और जैसे अदलिया रात को बैठी है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग नहीं हो रही थी तो उन्होंने आगे बैठ गए कि अगर आप वोटिंग नहीं कराते आप, हमने ऑर्डर किया हुआ है, आप हमारे ऑर्डर को वायलेट करेंगे और हम आपके कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। इसी तरीके पे इसी अदलिया को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए और प्रेसिडेंट को पाबंद करना चाहिए कि जो इख्तियार आते हैं उनसे तजावत ना करें। वो प्राइम मिनिस्टर का राइट है किसी भी सूबे का गवर्नर लगाना, ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है, हमारे आयन में क्लियर कट लिखा हुआ है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पंजाब के लिए गवर्नर की नामी भेज रहा है तो कोई हक नहीं पहुंचता सदर को के वो रोक के बैठा रहे। ये एक जो है गैर हमसे वफायात बना रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ना ही ऐसा होना चाहिए। ऐसे मुल्क नहीं चलते, हमने अपना एक तमाशा बना के रख दिया है वर्ल्ड के आगे भी ना। इस ये जो आपका डॉलर गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, यही वजह है। जिस दिन आप ये देखिए कि जिस दिन
हुकूमत इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पोस्ट लिया था तो डॉलर जो है वो 6-7 रुपये गिर गया था, वो 89 पे चला गया था, 81 पे दोबारा आ गया था। कारोबारी तबका हमारा सियासी इस्तेहकाम मांगता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सियासी इस्तेहकाम जहाँ जिस मुल्क में हो उसमें वो जो है वो उसकी मदद के लिए आमादा होते हैं। तो हम मिल के अपनी अपनी मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपना बादशाह बनवा रहे हैं, इसमें हमारी जुडिशरी को एक अहम किरदार अदा करना चाहिए, करना होगा तमाम। अच्छा तहर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान और उनके अकाबरीन की जो जो उनकी तकरीर हैं जिनमें पिछले दिन मरियम बीबी के बारे में भी बड़े गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अब तो फैमिलियों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आवाम के अंदर एक ऐसा जोश व जज्बा ख़ासतौर पर यंगस्टर्स के अंदर पैदा कर रहे हैं कि मारो या मर जाओ, तो अभी जो 25 तारीख की इन्होंने काल दी है उसके अंदर भी कुछ इसी तरह से नज़र आ रहा है? दूसरी जानब गवर्नमेंट जो है उनकी भी पूरी कोशिश ये है कि उन्होंने सुना है मेरे ज़राए के मुताबिक उनको मरी रोड तक जो है रोका जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने पार्लियामेंट हाउस के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुँचना है, तो आप ये बताइएगा क्या ये एक बड़ा खून खराबा नहीं होगा अगर इमरान खान साहब ऐसा करते हैं? देखिए गाजी साहब, मैं दोबारा यही कहूँगा जो इमरान खान और दूसरी सियासी क़यादत को कि वो अपने अपने जो हैं कानून और आइन की पाबंदी करें। जमहूरी मुआशरों में एहतजाज का हक सबको हासिल है, लेकिन इमरान खान साहब यहाँ पे रह के गए हैं, आप भी यहाँ पे, मुझे पता है आप भी यूके में आते जाते रहते हैं और आपको सिस्टम का पता है। होता यह है कि जब हमने कहीं कोई इत्तेजाज करना हो, हमने कहीं कोई जुलूस करना हो, हम मकामी पुलिस को एक एप्लीकेशन देखते हैं, वो हमारे लिए जगह का तयन कर देती है कि आपकी ये जगह होगी। वो हमसे पूछते हैं कि जी आप कितने लोग होंगे, हम कहते हैं कि हमारे 100 लोग होंगे, वो 100 लोगों के हिसाब से हमें जगह का तयन कर देते हैं कि ये आपकी बाउंड्री है, आपने इससे बाहर नहीं निकलना, यहाँ पर रहते हुए आप प्ले कार्ड उठाएँ, आप नारे लगाएँ, आप जो मर्जी करें। तो इसी तरीके पे अगर इमरान खान ने दिल्ली इंतजामिया जो है इस्लामाबाद को कहा है कि उन्होंने श्रीनगर हाईवे पे अपना एहतजाज करना है तो उनका पूरा हक है, उनको उससे इस हुकूमत को कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए, ना वहाँ पे जो कश्मीर से आ रहे हैं, जो मक्का से आ रहे हैं या जो लोग पंजाब से आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब से ये पूछते हैं कि खान साहब आपके कितने लोग होंगे और आप कितने दिन यहाँ पर बैठेंगे। जिस दिन का इमरान साहब कहते हैं कि जी मैं 1 लाख लोग लेके आऊँगा या 20 लाख लोग लेके आऊँगा, उनकी जगह का तयन कर दें और उसमें वो 20 दिन बैठे, 100 दिन बैठे, जब तक बैठे वो पूरे मन तौर पे अगर रहते हैं तो क्यों ना उनको इतने इतराज़ होना चाहिए और पूरा मेरे एहतजाज जमहूरियत का हुसन है और इसको बरकरार रहना चाहिए। सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो है जो जमहूरियत यहाँ से सीख के गया खिलाफवर्जी करेगा और फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, वहाँ पे जो भी दिल्ली इंतजामिया है उनको पाबंद करना चाहिए कि जो जगह इसके लिए मुख्तर की गई है उसमें बैठने। अच्छा राणा साहब, एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब एक गुड स्पीचर हैं और आपको पता है कि जब उनकी अपनी हुकूमत स्टार्ट के अंदर थी, स्टार्ट से पहले इन्होंने बड़ा 2018-19 में इन्होंने बड़ा एक मंशूर बड़ा अच्छा सा दिया था और आवाम को कहा था कि मैं वो तमाम चीज़ें नहीं करूंगा, कर्ज़े भी इन्होंने लिए और उसके बाद 1 करोड़ नौकरियां और 60 लाख घर, कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर पाए। इन 4 सालों के अंदर आप अगर इनका रिकॉर्ड देखें तो अवामी फलाह का कोई भी काम नहीं हुआ, तो इसके बावजूद भी अवाम पीछे जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसी इनके पास गिदड़ सिंगी है जिससे अवाम इनके पीछे जा रही है? देखिए बात यह है कि मैं आप जो बात है उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे वो पूरे नहीं, और इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि 4 साल में या 3.5 साल में जो इकॉनमी को की भी बुरा हाल रहा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हमारे पास जो हमारे फॉरन रिजर्व हैं सिर्फ 2 माह की इम्पोर्ट के हैं, अगर हमें फौरी तौर पर बेल आउट पैकेज नहीं मिलता तो शायद पाकिस्तान बदकिस्मती अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गवर्नमेंट इमरान खान की थी जो वादे करके आई थी वो डिलीवर नहीं हुए किसी भी लेवल पे, ना अवामी लेवल पे हुए हैं। एक होते हैं जो आप एक पोलिटिकल स्लोगन होते हैं वो पोलिटिकल स्लोगन भी पूरे नहीं हुए, और एक सॉलिड इकॉनमी होती है
जिसको आलमी इदारे भी मानते हैं, और आपका जो है आपका नेशनल बैंक जो होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, उसमें जो आपके पास पड़ा होता है वो शो करता है कि आपने जो वादे किए थे वो क्या है। एक तो ये कि रिकॉर्ड लोन लिए गए इस दौर में, स्टेट बैंक ये कह रहा है कि हमारे पास वादे है कोई नहीं, अगर दो माह तक हमें IMF से पैसे नहीं मिलते या हमारे कर्जे रिशेड्यूल नहीं होते। सर हुकूमती खर्चों की, हुकूमती जो कर्जे हैं उनकी फिगर मेरे पास है 24953 से बढ़कर, अरब से बढ़कर 42745 तक पहुंच चुकी है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरतहाल है। तो सब जो खासतौर से मैं जो है वो पाकिस्तानी जो है तो इस मामले में बहुत परेशान है हम लोग कि ये हो क्या रहा है। मतलब हमारी तरफ से तो देखिए जो हमारी तरफ से जाते थे डॉलर के या पाउंड या यूरो जाते थे उसमें तो इजाफा हुआ है, रियाल भी ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब जो फॉरन रिमिटेंस है उनमें वो तो बड़ी है, उसमें तो कोई ये गवर्नमेंट की मांगती है, हमें अपना असासा भी कहती है। अच्छा ये बताइएगा, आप एक माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी हैं और आप एक टीवी एंकर भी, मैं आपको समझता हूँ, आपको एनालिस्ट भी समझता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ लंदन में भी डायरेक्ट प्रोग्राम करते रहे। आप एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त UK के अंदर पाकिस्तानी जो लोग रह रहे हैं उनकी इमरान खान और नवाज शरीफ के हवाले से या जरदारी के हवाले से, PDM समझ लें, इस वक्त PDM और PTI है, तो इनके हवाले से लोगों की क्या राय है? लोग इनको अच्छा समझ रहे हैं जबकि नवाज शरीफ के घर पे कुछ लोगों ने हमला किया और आपने देखा कि मदीना मुनव्वरा के अंदर भी जो कुछ किया गया और वो वहीं के लोग थे, उनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस हवाले से वहाँ के लोगों की क्या राय है? देखिए जैसे पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी जो है उसकी तकसीम हुई हुई है, यहाँ भी ऐसी ही है। लेकिन जैसे आपने कहा, मैं भी उससे इतफाक करता हूँ कि जो इमरान खान का है वो ज़्यादा वोकल है, वो ज़्यादा वो कह लें सोशल मीडिया को भी ज़्यादा यूज़ करता है और वो ज़्यादा खुल के अपनी राय का इजहार करता है और इसी वजह से आप जो है वो नाखुशगवार वाकयात पेश आ रहे हैं। क्योंकि खान साहब ने जो है अपनी तकरीरों में अपने किरदार से अपने जो है उनको इनक्रेज किया है इन कामों के लिए। खान साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी कि इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, इनके साथ लोग रिश्तेदारियाँ नहीं करेंगे, तो इस तरह की तो सियासत में इस तरह की नफरत को हवा देना और इस तरह के जो ऐसा जो मुतशद रवैये जो हैं उनको बढ़ावा देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये यहाँ पे भी कर रहे हैं उनके लोग और ये अफसोसनाक बात है। मुरम्मत एहतजाज कीजिए यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी, जो आपका पूरा राइट है, यही जमहूरियत का मकसद है। तायर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने भी देखा कि तायर चौधरी साहब लंदन से हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से भी बात की और ये बताया कि इस वक्त जो है वहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं यानी समुंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से अगर हम बात करें, हमारे अक्सर मेहमान जो हैं वो आते रहते हैं और वो इस हवाले से बहुत परेशान है कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। अभी देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात की है कि पाकिस्तान जो है अगर खुदा ना करे डिफ़ॉल्ट हो गया तो समुंदर पार पाकिस्तानियों को भी उतनी ही तकलीफ़ होगी जितनी तकलीफ़ पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों को होगी। अगर तकलीफ़ नहीं होगी तो वो सिर्फ इन सियासतदानों को नहीं होगी जो आपस में कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं, और ना इमरान खान साहब की तवज्जो है इस आवाम की तरफ, बढ़ते हुई महंगाई, बढ़ते हुए बिजली के बिल और दूसरी चीज़ों की तरफ, और ना ही मेरा ख्याल है PDM के लोगों की इस तरफ तवज्जो है। लेकिन शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म आने के बाद उन्होंने इस तरफ काम शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले मजीद दिन जो हैं, मजीद हालात जो हैं वो पाकिस्तान के ख़राब होते हैं या बेहतर होते हैं। 25 तारीख तक जो है मेरा ख्याल है IMF के साथ मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं और अल्लाह ताला करे कि कोई अच्छा पैगाम आए। नाज़रीन इसके साथ ही हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब, प्रोग्राम देखते रहिएगा तजिया।